श्रीकृष्णा 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। नदी के दो किनारों को जोड़ने के लिए हम लोग पुल बनाते हैं और इस पुल पर ये स्वातंत्र है, चाहे आप इस तीर पर चले जाओ या उस तीर पर चले जाओ, कोई भी बैंक चले जाओ, ये स्वातंत्र है। लेकिन कभी क्या किसी ने पुल के ऊपर में अपना मकान बनाया है? पुल पर मकान नहीं बना सकते। इसी प्रकार से जीवन की जो नदी है, इस जीवन के नदी पर जो पुल है वो पुल है मन का। इस मन से चाहे हम प्रकृति के तीर पर चले जावे या पुरुष के तीर पर चले जावे, जहां मर्जी है चले जाओ, हम पुल पर नहीं रह सकते मकान बना करके। माने हम मन में हमेशा नहीं रह सकते, और इसीलिए बीच में झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है, इसका यही कारण है। क्योंकि हम मन में हमेशा नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वहां परेशान हो जाते हैं। देखो, हमको लोग कहते हैं, स्वामी जी आप एक जगह क्यों नहीं रहते, क्यों घूमते रहते हो? हमने कहा हमको कोई चाहता ही नहीं। यदि हम कहें ठीक है हम आग पे टिक जाएंगे तो कहते नहीं 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 ऐसी बात नहीं, तुरंत डर जाते हैं। हम लोग भी अपने मन के मारे हुए हैं। इसीलिए जितनी भी आध्यात्मिक साधना है, ध्यान केवल अपने मन के तरफ देना, यही बात यहां कहते हैं। न कुत्रापि जिहासास्ति आशा वापि न कुत्रचित आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलाच्छतरात्मनः। आत्मा रामस्य धीरस्य, आत्मा राम का तात्पर्य है जो अपने ही स्वरूप में रमण कर रहा है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्त्वात्म रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है, अपने आप में तृप्त है और अपने आप में रमण कर रहा है, उसको किसी अन्य की कोई अपेक्षा नहीं, कंपनी नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार के कर्तव्य का बंधन नहीं है। तो आत्मा रामस्य धीरस्य, जो आत्मा राम धीर पुरुष है और उसका मन शांत है, तो मन के शांति का तात्पर्य क्या है? डिप्रेशन में नहीं, मन की शांति। माने कुत्रापि न जिहासा अस्ति आशा वापि न कुत्रचित, किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, ना आशा अस्ति न जिहासा, ना किसी को त्यागने की इच्छा है। देखो, इच्छा के दो स्वरूप है, या तो संग्रह करने की या तो त्यागने की, दोनों इच्छा ही है। देखो, जो लोग उपासना करते हैं, साधना करते हैं, उनमें ये चक्कर दिखने को मिलता है कि हमने प्याज खाना छोड़ दिया, बहुत खाते थे, हमने सिगरेट पीना छोड़ दिया, बहुत पीते थे। देखो, जीवन का एक ही लक्ष्य है, किसी को पकड़ो या किसी को छोड़ो। और ये पकड़ना छोड़ना कहाँ है? केवल मन की कल्पना है। जिस दिन हमको ये समझ में आएगा, ना हम किसी को पकड़ते हैं ना हम किसी को छोड़ते हैं। लेकिन ये जब समझ में नहीं आता तो पूरा जीवन इसी में चला जाता है। इसलिए कुत्रापि न जिहासास्ति आशा वापि न कुत्रचित आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलाच्छत आत्मनः। क्योंकि अब वो अपने आप में एकदम शांत है। प्रकृत्या शून्य चित्तस्य कुर्वतोस्य यदृच्छया
प्राकृतस्यैव धीरस्य न मानो नावमानता। अब आगे कहते कि जो धीर पुरुष है, धीर का तात्पर्य क्या है, धीर तत्र न मुह्यति। धीर शब्द की परिभाषा भगवद गीता में दो चार जगह में आई हुई है। एक जगह कहते हैं कि देहिरोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस तत्र न मुह्यति। जैसे देह के अनेक रूप है, एक छोटे बालक का रूप है, फिर टीनेज का रूप है, फिर मिडिल एज का रूप है, उसी प्रकार से ये देह का बुढ़ापे का रूप है। तो पहली जो चीजें निकल गई, बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा ले जाएगा, वो नहीं चला जाएगा। देखो तो यह जो धीर पुरुष है वो इसको लेकर के रोता नहीं। देखो कभी हम रोए क्या, अरे बचपन चला गया है, अब जवान हो गए हैं, रोते हैं बुढ़ापे में आकर के। हम भी अगर बच्चे होते, जब बच्चे थे तब क्या होता, तब एक ही कल्पना होती है, जब मैं बड़ा बन जाऊंगा तब ऐसा करूंगा। इसीलिए महाराज धीर पुरुष है न मुह्यति, तो मोह को प्राप्त नहीं होते। किस प्रकार का मोह है, मान अवमान। हम ही कल्पना करते हैं हमको आदर मिलना चाहिए, हम ही कल्पना करते हैं कि हमारा अपमान हो रहा है। देखो कई बार होता है, एक जगह की बात है, शायद लोनावला की, गए तो एक ने हमको कहा, स्वामी जी आप हमसे नाराज है क्या। मैंने बोला क्यों, ने मुझे ऐसे लग रहा है। इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। हम ही कल्पना करते हैं, नहीं आपने मेरे तरफ देख के मुस्कुराए नहीं। हमने लगा तुम ठीक कार्टून नहीं हो, कार्टून के तरफ देख करके हंसते हैं ना। देखो कितना हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इसीलिए जो धीर पुरुष है उसको मान अपमान का कोई मतलब नहीं। यही भगवान कृष्ण भगवान के साथ एक होने का लक्षण बताते हैं। मानापमानयो हो प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जो मान और अपमान में प्रशांत रहता है, देखो माने मान मिलने से फुदकने की आवश्यकता नहीं और मान नहीं मिलने से रोने की आवश्यकता नहीं, तो उसको कहते हैं प्रशांत। हम जानते हैं शांति, हम जानते हैं अशांति, लेकिन तीसरी होती है प्रशांति। प्रशांति माने जहां मान अपमान का कोई भी प्रसंग हमको नहीं छेड़ता, वो है प्रशांति। तो धीरस्य न मानो नाव मानता, ना तो उनके लिए मान है ना अपमान है। कारण क्या है, प्रकृत्या शून्य चित्तस्य, क्योंकि उनका मन जो है सहज रूप से शांत है। उनको मन को शांत करने के लिए परेशान नहीं होना है। देखो हम सबसे ज्यादा विक्षेपित होते हैं मन को शांत करने के लिए, और जब अपना मन अपने ही कहने से शांत नहीं होता तब हम या तो पिल लेंगे या पिलो लेंगे या पी लेंगे, इनमें से करेंगे ताकि हमारा मन शांत हो जाए। तो प्रकृत्या शून्य चित्तस्य, जिसका मन सहज रूप से शांत है, मन को सहज रूप से शांत रखने का तात्पर्य हमारा मन किसी भी वस्तु को, देश को, काल को, प्रसंग को, व्यक्ति को देख करके टीका टिप्पणी करने का जो स्वभाव है उसका जिसने त्याग कर दिया है, माने जिसका मन दर्पण तुल्य हो गया है। दर्पण जो है किसी भी वस्तु को सामने आने के बाद उस पर टीका टिप्पणी नहीं करता, उसी प्रकार से जिसका मन प्रकृत्या शून्य चित्तस्य कुर्वतः अपि यदृच्छया, और यदि
उसके कारण जगत में जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें कहीं मान हो कहीं अपमान हो उसका इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन बाकी लोगों को लगता है देखो ये ज्ञानी होकर के काम कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं क्योंकि वो अपने स्वरूप में निष्ठावान है। इसीलिए भगवद गीता में जो मूल संदेश दिया है वो यही है। पहली बात अपने मन के समत्व को टिका के रखो। समत्वम योग उच्चते। और ये समत्व जितना दृढ़ हो जाएगा उतनी अंतकरण में प्रसन्नता जागृत हो जाएगी। तो ये समत्व को दृढ़ करने के लिए क्या क्या बातें बताई है। पहली बात ये बताई है कि समझदारी से जियो। ये सबसे महत्व की बात है। समझदार वो है जो अपने मन का ध्यान रखता है। ना समझ वो है जो दुनिया को सुधारने में लगा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात हम अपने दुराग्रह के कारण दुखी होते हैं। दुराग्रह माने क्या? हम जैसा चाहते हैं वैसा ही सब करें ये कभी नहीं हो सकता। तो यह जो मन का संतुलन है ये पहली बात। फिर दूसरी बात बताते हैं मन के संतुलन को रखने के लिए कैसा हमारा जीवन का आधार होना चाहिए। भगवान बताते हैं प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो पहले जगत के जितने भी अनुभव है घटनाएं है प्रसंग है वो सब के सब प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करने है। प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करने का तात्पर्य है कि जब हमको प्रसाद मिलता है किसी मंदिर में जाकर के तो प्रसाद मिलने के पश्चात हम अपने आप को धन्य मानते हैं। हम प्रसाद को लेकर के टिका टिप्पणी नहीं करते। हम अपने हाथ में जो प्रसाद है उसको लेकर के दूसरे के हाथ के प्रसाद के साथ तुलना नहीं करते और पंडित जी से झगड़ा नहीं करते उसको ज्यादा दिया मुझे कम दिया। तो ये जो प्रसाद बुद्धि है इस प्रसाद बुद्धि को हमने यदि जागृत किया तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा। अब तीसरी बात आती है हमको जगत के साथ वस्तुओं से भी व्यवहार करना है घटनाओं में भी व्यवहार करना है और व्यक्तियों के साथ भी व्यवहार करना है। तो मन के संतुलन को टिकाने के लिए व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करें उसमें चार बातें बताते हैं। बड़ों के प्रति आदर, अपने ही उम्र वाले जो है उनके प्रति दोस्ती, अपने से जो छोटे हैं उनके प्रति क्षमा का भाव और जो प्रॉब्लमेटिक है उनके प्रति उदासीनता। इन चारों का तात्पर्य हमारा ध्यान अपने मन के संतुलन के तरफ है। इसीलिए प्राकृतस्य इव धीरस्य न मानो न अवमानता। लेकिन जो प्राकृत है माने जो अज्ञानी है वो व्यक्ति उसको मान अवमान ये बहुत महत्व का होता है। सबके सामने हमारा अपमान किया लोग क्या कहेंगे। देखो लेकिन जो अपने मन को इस प्रकार से नित्य निरंतर सहज रूप से शांत रख सकता है उसके लिए वो चाहे किसी भी प्रकार के कर्मों में लगा हुआ हो उसको ना कर्म करने का दोष है न करने का दोष है। कृतम देहेन कर्मेदम न मया शुद्ध रूपिणा इति चिंता अनुरोधी यहा कुर्वन्नपि करोति न। इसका कारण क्या है? इस ज्ञानी व्यक्ति के अंतकरण में यह स्पष्टता है कृतम देहेन कर्मेदम यह जो कर्म है ये देह कर रहा है मुझे कुछ लेना देना नहीं इससे। तृतीय अध्याय में भगवान कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जितने भी कर्म हो रहे हैं वो सभी के सभी प्रकृति के क्षेत्र में है। देखो हम जब लोनावला में थे तो एक अम्मा आई और हमारे वहां बहुत बढ़िया गुलाब के बड़े बड़े फूल थे।
गार्डन में। उसने एक फूल को तोड़ा और ले आए मेरे पास। स्वामी जी आई लव यू, इसीलिए मैंने आपके लिए ये फूल लाया है। तो मैंने बोला तुमने फूल कहाँ से लाया? मैं तो फूल को पहचानता, फूल्स को ही मैं पहचानता। आई नो एवरी फूल। तो हमने कहा हमारे गार्डन से तोड़ के लाया ना? बोले हाँ स्वामी जी, बिकॉज आई लव फ्लावर्स। आई से देन डोंट लव मी। क्यों? फ्लावर को लव करते तो तोड़ दिया, मुझे लव करो तो मेरे गर्दन को काट के, आई लव स्वामी जी, कट निकाल के रख दे। लव इज नॉट डिस्ट्रक्टिव। उसमें ना तो हमने फूल को निर्माण किया, जिन पैरों से उन फूल के पास गए वो पैर हमारे नहीं है, उसमें शक्ति परमात्मा की है। जिस हाथ ने उसको तोड़ा वो हाथ भी परमात्मा के दिए हुए है। तोड़ने का जो संकल्प मन में आया वो मन भी परमात्मा का है। सब कुछ प्रकृति में परमात्मा में हो रहा है और हम कहते मैं कर रहा हूं। देखो महाराज, ये बहुत महत्व की बात है संतो। अपना ये जो कर्तृत्वाभिमान है यही हमको दुखी करता है। कृतम देहेन कर्म इदम न मया कृतम शुद्ध रूपिणा। मैं जो शुद्ध स्वरूप हूं, मेरे द्वारा कुछ भी कर्म नहीं होती। जिस दिन ये कर्म का रोग हमारे दिमाग से निकल जाएगा, उस दिन आप सहज रूप से शांत रहने लगोगे। इसीलिए हम आपको एक जो उदाहरण बताते हैं, ध्यान के लिए बैठो भगवान के पास तो दो तीन चीजें ध्यान में रखना। एक चीज, मेडिटेशन करने के लिए मत बैठना कभी। फिर भावना ही तो करनी है, तो ऐसी भावना करें, हम जाकर के कन्हैया की गोद में बैठ लिए, जैसे बालक अपने मां की गोद में बैठता है तो एकदम सिक्योर्ड, ना लेना है ना देना है, डेस्टिनेशन पहुंच गए। और दूसरी महत्व की बात, हमको कुछ प्राप्त तो नहीं करना है। इसीलिए मेडिटेशन होने के बाद क्या करेंगे ये एक भी संकल्प नहीं लेना है। फिर आपको कुछ भी संकल्प मन में नहीं आएगा, आप सहज रूप से शांत रूप से रहने लग जाओगे। इसीलिए कृतम देहेन कर्म इदम न मया शुद्ध रूपिणा। मैं किसी भी प्रकार के कर्मों को नहीं करता। तो इति चिंतानुरोधी, यहां इस प्रकार से जिसका चिंतन है, जो इस चिंतन के अनुसार अपने जीवन को जी रहा है, कुर्वन अपि न लिप्यते, ऐसा जो संत पुरुष है वो किसी भी प्रकार के कर्मों में लगा हो या नहीं लगा हो, माने कर्म करने का या कर्म नहीं करने का, दोनों का प्रभाव उसके अंतकरण पर नहीं है। हमारे मन पर दोनों का प्रभाव होता है, कर्म किया अच्छा बुरा उसका प्रभाव हो गया, कर्म नहीं किया उसका प्रभाव होता है, अरे रे हमने वो करना चाहिए था, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो जिसके अंतकरण में भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, किसी भी प्रकार के क्रिया का प्रभाव जिसके मन पर नहीं पड़ता, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से जगत में अपने आप को व्यस्त रखे फिर भी वो कोई भी कर्म करने वाला नहीं, क्योंकि उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है। अतद्वादी व कुरुते न भवेदपि बालिशः, जीवन मुक्त सुखी श्रीमान संसरन्नपि शोभते। अतद्वादी इव, तत्वादी माने ज्ञानी और तद्वादी माने संसारी। तो जैसे संसारी पुरुष उसके जैसे अतत्वादी इव कुरुते अपि, तो अज्ञानी के जैसे यह ज्ञानी पुरुष अनेक प्रकार के कर्मों में व्यस्त दिखता हुआ सा भी कोई भी कर्म नहीं करता, कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसीलिए अतत्वादी इव न भवेदपि बालिशः।
भगवान कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। जो लोग कर्म में लगे हैं उनको लगने दो, उनके दिमाग में कंफ्यूजन मत निर्माण करो, दे आर ऑलरेडी कंफ्यूज। फिर क्या करें, उनके साथ लग जाओ और लगने के बाद उनको अपने माध्यम से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ कि बिना परेशानी के भी जिया जा सकता है। देखो, हमको लगता है कि बाबा जी लोगों का कितना मस्त चलता है, कोई चक्कर ही नहीं, सब कुछ बढ़िया चलता है। उनके जूते पहन के देखो, फिर पता चलेगा कहाँ काट रहा है। देखो, आप लोग परेशान होते हो उपवास करके, श्रावण सोमवार आ रहा है, और हमारी परेशानी खिला खिला करके सोचते हैं ये टिफिन बॉक्स आया है भरो। देखो, इसीलिए संतो किसी भी प्रकार से अपने को विक्षेपित होने को जस्टिफाई न करे। अतद्वानी इव कुरुते न भवे नपि वारिषः, जीवन मुक्त सुखी श्रीमान। ऐसा जो जीवन मुक्त है वो सुखी है, और संसरण अपि शोभते, तो वो इस दुनिया में रहते हुए भी अनेक प्रकार के कार्यकलापों में बिजी रहते हुए भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, यही जीवन का सौंदर्य है। ऐसे नहीं कि एकदम समाधि लगा करके बैठ गए, हमने 40 साल से मेडिटेशन में समाधि में बैठे, ये जो जड़ समाधि है ये केवल हमको प्रकृति तक ही ले जाती है, प्रकृति के परे नहीं। देखो, इसीलिए ये महत्व की बात है, जब तक के ज्ञान युक्त निर्विकल्प समाधि नहीं होती, ध्यान से सुनना, निर्विकल्प समाधि का तात्पर्य है परमात्मा, और परमात्मा कौन है, किसी का भी विरोधी नहीं है। जागृत आ जाए तो उसको आधार दिया, स्वप्न आया उसको आधार दिया, सुषुप्ति आई उसको आधार दिया, समाधि लगी उसको आधार दिया, तो जो किसी का भी विरोधी नहीं है, यह जो निर्विरोध सत्ता है उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। कोई विकल्प नहीं है, ये या वो, ये विकल्प नहीं है, और ये तभी हो सकती है जब पहले हमने ज्ञान के द्वारा अपनी गलत धारणाओं को ठीक कर लिया है। और गलत धारणाओं को ठीक करना माने नई धारणाओं का निर्माण नहीं करना। देखो, पहले गवर्नमेंट करप्ट थी, अब गवर्नमेंट करप्ट नहीं है, पहले ऐसा था अब वो नहीं है, ये नहीं। देखो, पहले मैं अपने को भोगी मानता था, अब मैं योगी मानता हूं, पहले मैं अपने को बुरा मानता था, अब अच्छा मानता हूं, ये जो केवल कल्पना को बदलना नहीं है, रॉन्ग नोशंस आर रिजेक्टेड थ्रू विजडम विदाउट क्रिएटिंग न्यू नोशंस। जब तक के ये बात नहीं होगी तब तक के निर्विकल्प समाधि केवल एक पत्थर के जैसे होती है। इसीलिए यहां कहते हैं, अतद्वादी व कुरुते न भवेदपि बालिशः, जीवन मुक्ति सुखी श्रीमान, संसरन्नपि शोभते। तो जो अज्ञानी पुरुष है वो हम करेंगे नहीं करेंगे इसी में फंसे है, जीवन मुक्त वो है जो जहां जैसा करना है करते हुए भी, जगत में रहते हुए भी, संसारी रहते हुए भी, संसारी के जैसा दुखी नहीं रहता। देखो, संसारी का तात्पर्य ये समझ लेना कि शादी हो गई तो संसारी हो गए, ऐसे नहीं होता। संसारी का तात्पर्य जो परिवर्तनों से प्रभावित होता है उसको संसारी कहते हैं। संसार माने संसरति इति संसार, जो नित्य निरंतर बदल रहा है। तो यदि हम बूढ़े हो गए और बुढ़ापे की ही बातें करते रहे 24 घंटे, एक महात्मा से हम मिले, अब वो 90 साल से ज्यादा है, हमारे बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र है, तो हम जब जाते हैं तो एक ही विषय,
स्वामी जी आपकी उम्र कितनी है? हमने कहा मुझे याद ही नहीं रहता कितनी उम्र है, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी मालूम नहीं। अब उनको बताना होता है अपने बारे में। देखो जो आदमी किसी अन्य के बारे में पूछता है ना, उसका सिद्धांत है अपने बारे में बोलना चाहता है। अरे इनको जरा मिठाई ले आना, मिठाई इनको चाहिए, इसीलिए कहते इनके लिए मिठाई ले आना। तो वो कहे थे, उनके चेले ने कहा कि महाराज जी तो 90 हो गए। बोले नहीं नहीं 90 नहीं, 90 years 4 months 16 days। अब देखो कहां फंसे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे को कहो तू कितने साल का है, मां कहती 2 साल का, नो 2 years 2 years 3 months। कितना फंसे है। देखो महाराज, इसीलिए संसरण अपि शोभते, जीवन में जो भी परिवर्तन आ जाए, परिवर्तन कहां कहां आते हैं वो सब संसार है, और उन परिवर्तनों के साथ तादात्म्य करके जीते हैं तो संसार ही है। तो अपने आप को शरीर के साथ तादात्म्य किया तो बूढ़े हो गए, और शरीर के साथ तादात्म्य किया तो स्त्री पुरुष हो गए। देखो शरीर के साथ तादात्म्य किया तो हम अपने को गुरु मानने लग गए, शिष्य मानने लग गए। अभी मैं वहां था ऑरलैंडो में, सत्संग होने के बाद दूसरे दिन सुबह एक अंग्रेज मिलने को आया, वो भी सत्संग में आया था। आकर के कहता है, स्वामी जी आपने जो बताया उससे मैं 100% सहमत हूं। बहुत अच्छी बात है। बोले इसलिए कि मैं भी यहां सिखाता हूं, मैं यहां एक ग्रुप चलाता हूं, वो ग्रुप है अद्वैत ग्रुप। देखो इसमें जोक समझ में आया तो समझ में आएगा, डंबो को समझ में नहीं आएगा। अद्वैत माने एकमेव अद्वितीय, ग्रुप कहां से आया? देखो मैं अद्वैत ग्रुप चला रहा हूं, चल रहा कि बैठा है। देखो सर, तो इसी में आदमी फंस जाता है। लेकिन महाराज जी क्या बात है कि जैसे आपकी बातें लोग तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, मेरी बातें नहीं करते। मुझे आप कुछ टिप्स दे दीजिए, ऐसा जो फंसा है वो अभी संसारी है। जगत में लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख समान हो गए। नहीं समझते तो नहीं समझते। देखो यदि हम इस सिद्धांत को निकाल दे कि हम इतना गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, लोग समझते नहीं और बदलते नहीं, तो हम 2 दिन में पागल हो जाएंगे। हमको मालूम है, लेकिन समय कृत्वा हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे चेयरमैन रहे या चेयर रहे, दोनों एक जैसी है। जीवन मुक्त सुखी श्रीमान, संसरण अपि न शोभते, संसरण अपि शोभते। नाना विचार सुश्रांतः धीरो विश्रांति मागतः, न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति। नाना विचार सुश्रांतः, अब किसी भी प्रकार के विचार मन में नहीं आ रहे हैं, अच्छे भी नहीं बुरे भी नहीं, किसी भी प्रकार के विचार, एक भी विचार मन में नहीं आ रहा। लेकिन नींद भी नहीं। देखो ये जो बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना, पतंजलि महर्षि के अनुसार नींद यह भी एक वृत्ति है, विचार है। वहां नींद की परिभाषा देते हैं, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा। निद्रा माने जहां अभाव को ही विषय बनाया है। जागृत में वस्तु के भावों को विषय बनाते हैं, ये है ये है ये है, और स्वप्न में भी विषयों के भावों को विषय बनाते हैं, ये है वो है। गहरी नींद में इन दोनों का माने जागृत और स्वप्न, इन दोनों का अभाव है, तो उस अभाव को विषय बनाया है। तो जिस प्रकार से जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था बहिर्मुखी है, उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था भी बहिर्मुखी ही है।
अंतर्मुखी नहीं है। कितनी महत्व की बात है। तो यहां इसीलिए कहते हैं नाना विचार सुश्रांता, माने सो गए, नहीं 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 सोना नहीं है, अब किसी प्रकार के विकल्प मन में नहीं उठ रहे। विकल्प दो ही है, एक होने का, दूसरा नहीं होने का। जैसे ये पॉइंटर हमारे हाथ में है और निकाल देने के बाद अब हमारे हाथ में कोई पॉइंटर नहीं है, तो जगत के सभी विषयों का, वस्तुओं का, अनुभूतियों का ज्ञान हमको हमेशा भाव अभावात्मक विकल्पों से युक्त होकर के होता है या नहीं है, अस्ति प्रत्यय नास्ति प्रत्यय। लेकिन हमारा जो स्वरूप है उसमें ये विकल्प नहीं है, मैं हूं या मैं नहीं हूं, इन विकल्पों का जिसमें अभाव है उसी को कहते हैं कि सभी विकल्पों से जो शांत हो चुका है, नाना विचार सुश्रांता। फिर ऐसा जो धीर पुरुष है, धीरहा विश्रांतिम आगताहा, तो अब वो विश्रांति को प्राप्त हो गया। विश्रांति को प्राप्त का मतलब क्या है, हमारे मन की तीन स्थितियां इकट्ठी हो जाए, जिसको योग शास्त्र संयम कहता है, हम दूसरे शब्दों में बताएंगे। एक तो मन शांत रहे, दूसरा मन तत्पर रहे और तीसरा मन जागरूक रहे। तत्पर, शांत और जागरूक, ये तीन चीजों से यदि मन युक्त हो तब जाकर के हमने विश्रांति को प्राप्ति कर ली है। नाना विचार सुश्रांता, धीरो विश्रांति मागता, न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति। फिर उसकी स्थिति कैसी है, सभी इंद्रिय काम कर रहे हैं, देखना हो रहा है लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ, श्रवण चल रहा है लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हुआ, देखो ज्ञान हो रहा है लेकिन ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। जिस अनुभूति में अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता उसी को कहते हैं असली विश्रांति। इसलिए न कल्पते, कोई भी कल्पना नहीं। देखो पहली कल्पना है मैं पति पत्नी भाई बहन सुखी दुखी हूं, फिर दूसरी कल्पना है मैं स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा हूं, तीसरी कल्पना है पापो हम पाप कर्मा हम। अब ये सभी कल्पनाओं का त्याग करके जो कल्पना रहित अनुभूति है उसी को कहते हैं न कल्पते। अब कोई भी कल्पना नहीं करना, पापो हम पाप कर्मा हम बड़े अच्छे हैं, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, बंद एकदम, न कल्पते। फिर न जानाती, कुछ भी नहीं जानता क्योंकि जानने वाला पैदा ही नहीं हुआ। इसके लिए एक सिंपल टेक्निक ये है, जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है उसके बारे में जानने का प्रयत्न ना करें। जैसे जिस स्थान पर हमको पहुंचना नहीं है उसके बारे में पूछने से क्या है, भाई यहां से कितना दूर है, कितना समय लगता है पहुंचने के लिए और कैसे जाना पड़ता है, पैदल या घोड़े गाड़ी से या हवाई जहाज से, अच्छा आप कब जा रहे, नहीं जा नहीं रहे, ऐसे पूछ लिए। अरे देखो इस चक्कर में मत पड़ना, मनुष्य को ये एक आदत लग जाती है हर चीज के बारे में जानने के लिए। इसीलिए एक श्रेष्ठ पति ने अपने टी शर्ट पर छपवा लिया था, आई डोंट गूगल माई वाइफ नोज एवरीथिंग।
कोई जानने की आवश्यकता नहीं। पत्नी के सामने जाके खड़े हो जाओ, पता चलेगा कि कौन हो आप। न कल्पते न जानाति न शृणोति। देखो, न शृणोति माने हम ये जगत के बारे में, दुनिया भर की बातें चलती रहेगी और उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। शास्त्र में आता है दुनिया और परमात्मा दोनों ही हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं कान के दरवाजे से। मुझे कल किसी ने भेजा था, जो स्त्री आपकी बात 2 मिनट तक ही सुन सकती है वो आपकी कन्या है, आपकी लड़की है। जो 5 मिनट तक सुन सकती है वो आपकी बहन है। जो 20 मिनट सुन सकती है वो आपकी माँ है। और जो बिल्कुल नहीं सुन सकती, आपने ठीक सोचा है, वो बहरी है। हर जगह पत्नी को लाने की जरूरत नहीं। देखो, सबके दिमाग में पत्नी आई थी ना। देखो महाराज, बेचारे पत्नियों का कचूमर बना दिया है। इसीलिए कहते हैं, न कल्पते न जानाति न शृणोति। कोई कुछ भी कहे, अपने को सुनने की जरूरत नहीं। और न पश्यति, दुनिया के बारे में कौन आया कौन गया। देखो, जितना आदमी बहिर्मुखी होगा ना, उतना इसी में लगा रहता है। ये सबका तात्पर्य क्या हो गया कि अब यह जो संत महात्मा है, अब ये एकदम अंतर्मुखी हो गया है और अपने स्वरूप में मस्त है। असामाधे असमाधे है विक्षेपान न मुमुक्षुर न चेतरः निश्चित्य कल्पितम पश्यन् ब्रह्मैवास्ते महाशयः। असमाधे विक्षेपात न मुमुक्षु न च इतरः। देखो, यह जो ज्ञानी है, महाशय जो है, ये कभी भी मेडिटेशन का अभ्यास नहीं करता। आप ये मेडिटेशन के पीछे ही लगे हैं, बिल्कुल इससे निकल जाओ, अपने आप को बचाओ। ये तो जहां भी गए एवे बैठे। बहुत महत्व की बात है। आप चले गए सिनेमा देखने, बाहर का देखो ना, अंदर का क्यों देख रहे। इसीलिए एक आदत लग जाती है। तो कहते हैं, असमाधे है विक्षेपात, ये किसी भी प्रकार के समाधि का कोई भी प्रैक्टिस करता नहीं, क्योंकि उसके मन में जगत को लेकर के कोई विक्षेप है ही नहीं। विक्षेप हो तब तो जरूरत पड़ेगी ना समाधि करने की, मेडिटेशन करने की। और जो दूसरी बात है, न मुमुक्षु, मुमुक्षु माने जो अपने आप को बंधन से छोड़वाना चाहता है कि मैं लिबरेशन चाहता हूं, मेरी मुक्ति कब होगी, मेरा मोक्ष कब होगा। देखो महाराज, ये दिमाग से निकाल डालो। न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर वै इत्येषा परमार्थता। परमार्थ यही है कि ना कोई हुआ पैदा, ना कोई मरता है, ना कभी कुछ किसी को रियलाइजेशन हुआ है, ना कोई बेवकूफ है, ये सब ऐसे ही है। इसमें कोई नई बात नहीं है। अपने आप को विक्षेपित ना करे। इति निश्चित्य, ऐसा जब निश्चय हो गया तो कल्पितम, और जितनी भी बातें हैं ये सब कल्पित है, ये समझ करके ब्रह्मई वास्ते महाशयः। तो ये संपूर्ण जगत केवल कल्पना का साम्राज्य है, हम ही कल्पना करते हैं। पंचदशी के चतुर्थ अध्याय में आता है 2 प्रकार की सृष्टि, जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। ईश्वर के सृष्टि में कोई भी समस्या नहीं है, ईश्वर की सृष्टि में संसार नहीं है। संसार होता है जीव की सृष्टि में। वहां उदाहरण देते हैं, एक जो स्त्री है वो ईश कार्या, स्त्री जो है ईश्वर के द्वारा निर्मित वस्तु है, और उसी एक स्त्री को लेकर के जीव
अपना संसार खोल देता है। तो पिता उस लड़की को देख करके मेरी कन्या है ये पिता बन गए, फिर उसी स्त्री को देख करके पति ये मेरी पत्नी है पति बन गए, उसी स्त्री को देख करके पुत्र ये मेरी माँ है पुत्र बन गए। तो एक ही स्त्री इसमें से तीन चीजें निकली और दुखी होने वाले ये जो तीन जगत है यहां दुख है, स्त्री में कोई दुख नहीं है। आपका जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है उसका उदाहरण ले लो आप। एक ही स्त्री मां के रूप में सर्वश्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ वो हो जाती है जब अपने जवाई की सास बन जाती है। आप सभी लोग जवाई हो, जब आप अपने ससुराल जाते हो तो कितना आदर सत्कार मिलता है, और आपको लगता है ना कि मेरी मां से मेरी सास बहुत समझदार है। कैसी समझदार है? समझदार वगैरह कुछ नहीं है, प्यार भी कुछ नहीं है, उसको मालूम है क्या माल खपाया है। तो ये आप पर तरस है। तो वही स्त्री जब अपने जवाई की मदर इन लॉ बनती है तो बेटर देन द बेस्ट, और वही स्त्री जब अपने बहू की मदर इन लॉ बनती है तो भयानक। ब्रदर ब्रदर इन लॉ, मदर मदर इन लॉ, सिस्टर सिस्टर इन लॉ, वाइफ ओनली लॉ, वो जो बताएगी वही करना है। तो वहां कोई रिश्ते निर्माण मत करना। तो असमादेहे विक्षेपान्न मुमुक्षुर्न चेतरः निश्चित्य कल्पितं ब्रह्मन् ब्रह्मैवास्ते महाशयः। इसीलिए वो ना किसी प्रकार के बंधन में है, ना किसी प्रकार का उसको लिबरेशन चाहिए, अपने स्वरूप में स्थित है। यस्यान्तस्याद् अहंकारो न करोति करोति सः निरहंकार धीरेण न किंचित् अकृतं कृतम्। यस्यान्तस्याद् अहंकारो, जिसके अंतकरण में अहंकार है वही व्यक्ति मैं ये कर रहा हूं मैं वो कर रहा हूं उसमें यो भाव निर्माण होता है। और निरहंकार धीरेण, जिसके अंतकरण में अहंकार नहीं है उसने चाहे करे या न करे कोई फर्क नहीं। इसीलिए कर्म का सिद्धांत जो है वो ऐसा मत समझ लेना, जो कर्म का सिद्धांत बताते हैं ना जिसका बहुत प्रभाव होता है कर्मकांडियों में, योग में, बौद्धिज्म में और जैनिज्म में, कर्म 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 उससे बाहर निकलते ही नहीं। और वहां कर्म का सिद्धांत क्या है? पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म, इसके अनुसार ये जन्म के सुख दुख, फिर इस जन्म के अच्छे बुरे कर्म, फिर अगले जन्म के सुख दुख। ये कर्म का सिद्धांत नहीं है, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। कर्म का सिद्धांत क्या है? क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है तो उस क्रिया को कर्म कहते हैं, और उस कर्म का फल है, क्रिया का फल नहीं है। तो कर्म से छुटकारा पाना है तो क्या होना पड़ेगा? कर्म के साथ जो कर्तृत्वाभिमान है वो यदि हट जाए तो कर्म से आप मुक्त हो गए। ये समझ में नहीं आता, इसीलिए इसमें फंसे रहते हैं। एक ने भगवान रमण महर्षि से पूछा कि ये तो समझ में आता है ज्ञान होने के बाद संचित और आगामी कर्म खत्म हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्म का क्या होता है? क्योंकि वो तो ऑपरेट हो रहे हैं, उसका क्या होता है? ये ना समझी का प्रश्न है। तो भगवान ने कहा, देखो एक हैदर अली था, और हैदर अली माने क्या है? जिसकी तीन चार बीवियां थी, एक रहती थी चेन्नई में, एक रहती थी मुंबई में, एक रहती थी दिल्ली में, और एक रहती थी कलकत्ते में। तो जब वो ट्रैवल करता था तो उसको सूटकेस ले जाने की जरूरत नहीं, हर जगह सब सामान उपलब्ध है।
तो एक बार वो कलकत्ते गया और कलकत्ता जाने के बाद वहां उसकी मृत्यु हो गई। अब प्रश्न ये आता है, वहां वो मरने के बाद क्या केवल कलकत्ते वाली बीबी ही विधवा हो गई या सभी बीबियां विधवा हो गई? देखो, इसी सिद्धांतों को लगा लो। यदि कर्तृत्वाभिमान समाप्त हो गया तो जिस प्रकार से संचित कर्म और आगामी कर्म ये दोनों समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाता है। लेकिन महात्माओं के जीवन में भी प्रारब्ध दिखता है ना। एक लड़की ने मुझे पूछा, बहुत पुरानी बात है, बहुत ही कह कह करने वाली थी, जो ज्यादा बोलते हैं मैं डरता हूं उनसे, फालतू की बातें करते रहते, ज्यादा बोलो दिमाग खाएंगे तो दूर रखो, तो आके टपकी। इसीलिए मैं अपने यहां किसी को नहीं आने देता, मैं किसी के घर जाता हूं तो जब चाहूं उठ के चला जा सकता हूं, कोई मेरे घर में आके टपके तो कैसे कहो अरे जाओ बाबा, तो वो आके टपकी और प्रश्न पूछना था, स्वामी जी मुझे प्रश्न पूछना है। मैं चुप रहा। बोले क्या महात्माओं को भी प्रारब्ध होता है? हमने कहा होता है। बोले ये कैसे संभव, आपका क्या प्रारब्ध है? बोले तुम हो ना, आके सर खा रही हो। देखो संतो, यदि कर्तृत्वाभिमान मिट गया तो तीनों प्रकार के कर्म इनकी कोई सत्ता नहीं। इस कर्तृत्वाभिमान से हटने के लिए कर्म के सिद्धांत को ठीक से समझना है। ये तो पूरा जीवन इसी में जाएगा, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, कुछ नहीं होगा उसमें से, उसी में फंसे रहोगे। यस्यांतःकरणे स्याद् अहंकारो न करोति करोति सः। तो जिसके अंतकरण में अहंकार है उसमें मैंने ये किया, मैंने वो नहीं किया, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अपने किए का नहीं किए का दोनों का पछतावा, जो नहीं करना था वो किया, जो करना था वो नहीं किया, अब बुढ़ापा आ गया है महाराज, इसके बाद क्या होगा? जब जिंदा हो तब कुछ नहीं हुआ, तो मरने के बाद क्या होगा? तो निकाल देना है इस कर्तृत्वाभिमान को। निरहंकार धीरेण न किंचित कृतम कृतम। इसीलिए वो चाहे कितना भी इस जगत में व्यस्त रहे, उसके लिए ना कुछ करना है ना कुछ नहीं करना है। नोद्विग्नम न च संतुष्टम अकर्तु स्पंद वर्जितम निराशम गत संदेहम चित्तम मुक्तस्य राजते। मुक्तस्य चित्तम, जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है उसके अंतकरण की स्थिति कैसी है? निराशम गत संदेहम, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, लिविंग एट जीरो एक्सपेक्टेशन लेवल, कोई अपेक्षा नहीं। आगे कहते हैं गत संदेहम, और कोई भी मन में विक्षेप या संदेह नहीं है, संदेह रहित, अपेक्षा रहित अंतकरण में ही परमात्मा प्रकट होते हैं। जिस अंतकरण में अपेक्षा है, जिस अंतकरण में संदेह है, वो अंतकरण परमात्मा के अवतरण के लिए लायक नहीं, और इसके कारण न उद्विग्नम न च संतुष्टम। इसीलिए उनके अंतकरण में ना तो उद्वेग है, उद्वेग माने अपने अच्छे बुरे कर्मों के प्रभाव से मन को विक्षेपित होने देना, उसको उद्वेग कहते। इस उद्वेग का अर्थ या शब्द भगवान ने भगवद गीता में उपयोग में लाया है। वहां कहते हैं शक्नोति हैव यः सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणान् काम क्रोधोद्भवम वेगम स मुक्तस्य सुखी नरः। जीवन में आने वाले काम क्रोध का जो उद्वेग है, इसका प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता वो मुक्त है। आप बताओ इससे और सिंपल क्या परिभाषा हो सकती है? और वही नर है, और जिन पर इस काम क्रोध का प्रभाव होता है वो वानर है। देखो, इसीलिए
यहां बता दे न उद्विग्नम न च संतुष्टम, और कोई अच्छा हो गया तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ नहीं बढ़िया बढ़िया या ऐसा ही होगा। इसीलिए ध्यान एक ही जगह रखना है, स्पंद वर्जितम, मन में किसी प्रकार के विक्षेप को सहारा न दे। विक्षेप को सहारा नहीं देने के लिए हमेशा अभाव का चिंतन करें। दो अभाव, एक रूप का अभाव और दूसरा शब्द का अभाव। रूप के अभाव का चिंतन माने आंखें बंद कर ली, अब वहां कुछ सोचना मत, मेरा लड़का क्या कर रहा होगा, स्कूल में गया रो रहा तो नहीं है। या शब्द के अभाव का चिंतन, पता नहीं ये लोग इतना क्यों डिस्टर्बेंस, शांत क्यों नहीं बैठते। नहीं, जब हम अभाव में स्थित हो जाते हैं तो ये जो अभाव को भाव या सत्ता देने वाली वस्तु है वही अपना स्वरूप है। इसीलिए नोद्विग्नम न च संतुष्टम अकर्तु स्पंद वर्जितम, क्योंकि इसमें मैं कर रहा हूं ये भाव ही नहीं है। निराशम गत संदेहम चित्तम मुक्तस्य राजते, इसीलिए ऐसा जो मुक्त पुरुष है उसका अंतकरण ऐसे मस्त रहता है कि कोई आशा नहीं और कोई संदेह नहीं। निर्ध्यातुम चेष्टुतुम वापि यच्चित्तम न प्रवर्तते निर्निमित्तमिदं किंतु निर्ध्यायति किमेश विचेष्टते। निर्ध्यातुम चेष्टुतुम वापि यच्चित्तम न प्रवर्तते, जिसका मन ना तो किसी प्रकार से अपने आप को शांत कर लेता है ना तो किसी प्रकार से एक्टिव करता है। ध्यान से सुनना, समुद्र के दृष्टि से देखो तो ना तो अनेक प्रकार की लहरें है ना तो लहरों का अभाव है, केवल दृष्टि में परिवर्तन लाना है। तो लहरें आ गई तो समुद्र को कोई लाभ नहीं हुआ, चलो आजकल काफी लहरें आ गई बड़ा अच्छा हो गया, ये मार्केट में टमाटर आ गए अच्छा हो गया। तो समुद्र पर लहरें आने से लाभ नहीं, और एकदम शांत हो गया सब लहरें शांत हो गई तो कोई हानि नहीं। यह जो दृष्टि है उस दृष्टि को यहां कहते हैं निर्ध्यातुम चेष्टुतम वापी यह चित्तम न प्रवर्तते, चाहे वो ध्यान कर रहा हो या न कर रहा हो, चाहे वो अनेक प्रकार के कर्म में लगा हो या न लगा हो, जिसका चित्त कभी भी किसी भी प्रकार से विक्षेप को प्राप्त नहीं होता। ध्यान से सुनना, विक्षेप होते ही नहीं, विक्षेप ये एक धारणा है कल्पना है। इस पर जो हमने इस उदाहरण को कई बार दिया है इस पर चिंतन करो, हमारे सामने आप इतने लोग बैठे हैं और 2-4 हजार आके बैठे तो हमारे दृष्टि में आंखों में वजन नहीं बढ़ेगा, सब लोग निकल जाओ तो दृष्टि की कोई हानि नहीं है। मन में अच्छे विचार आए तो मन अच्छा नहीं बनता, बुरे विचार आए तो मन बुरा नहीं बनता, जो दोनों का आधार है वो दोनों के परे है। इसी प्रकार से जो शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध चेतन सत्ता है, उसमें जागृत स्वप्न आवे या चले जावे माने सुषुप्ति समाधि आवे, इस चेतन सत्ता को कोई प्रभाव नहीं डालता। इसमें हमको करना कुछ नहीं है, केवल समझना है, और समझ जाने के लिए ये अनेक उदाहरण है। जैसे समुद्र पर लहरें आए न आवे समुद्र को कोई प्रभाव नहीं, इसी प्रकार से मन में वृत्तियां आवे न आवे मन पर कोई प्रभाव नहीं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि रहे अपने पर कोई प्रभाव नहीं।
जो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता वो अपना स्वरूप है। तो निर्ध्यातुम चेष्टुतम वापी जब चित्तम न प्रवर्तते, जो ना तो ध्यान के लिए परेशान होता है ना तो अब मैं सब छोड़ छाड़ करके हिमालय जाऊंगा, कोई जाने की जरूरत नहीं, जहां है वहां मस्त रहो। तो निर्ध्यातुम चेष्टुतम वापी यत् चित्तम न प्रवर्तते निर्निमित्तम इदम् किंतु निर्ध्यायति विचेष्टते, लेकिन बिना किसी प्रयत्न से एफर्टलेसली इसका अंतकरण शांत प्रसन्न है, क्योंकि चैतन्य ही मन है। जैसे पुरुष ही पति है तो पत्नी से होने वाले कष्ट से बचाने के लिए डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं, फिर क्या करें, डोंट टेक वाइफ सीरियसली, दैट्स इट। तो कैसे रहे, व्हेन शी इज टॉकिंग कीप योर माउथ शट, व्हेन शी इज नॉट टॉकिंग डोंट स्टार्ट टॉकिंग। ये तीन बार जो कहते हैं ना, ओम शांति शांति शांति, ये इसका अर्थ है। जहां देखा कुछ हो रहा है एकदम शुरू कर दो, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। देखो ये जो माउंट अबू वाले जो है ना, कौन है वो लोग, ब्रह्म कुमारी वाले, हाँ उनका मंत्र है ओम शांति वाला। तो वो ओम शांति का मंत्र हर घर में पुरुष को दिया जाता है, ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांत हो। तत्त्वं यथार्थमाकर्ण्यं मंद प्राप्नोति मूढताम अथवा आयाति संकोचम अमूढकोपि मूढवत। देखो तत्त्वं यथार्थम आकर्ण्य मंदः प्राप्नोति मूढताम, अज्ञानी व्यक्ति इस तत्व को सुनने के बाद, शास्त्रों से उपनिषदों से सत्संग से सुनने के बाद मूढताम याति, वो और कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं आती। कारण क्या है, अधिकारी नहीं है। अधिकारी कौन है, जिसका अंतकरण अब जगत को लेकर के विक्षेपित नहीं होता, जिसका अंतकरण नींद को प्राप्त नहीं होता, जिसको जगत में कुछ प्राप्त करना नहीं है, और जो अपने जीवन के अनुभूतियों से सीखने की प्रक्रिया सीख चुका है, धीरे धीरे हर एक अनुभूति से उसको एक मैसेज मिलेगा, और उसके द्वारा जैसे जैसे उसकी समझ ठीक होगी वैसे वैसे गलत धारणाओं को मिटाया जाएगा, और उसके लिए पेशेंस चाहिए, हर एक के बस की बात नहीं है। तो मूढ़ बाकी जाके सुन दे, हम भी सुनेंगे। देखो हमको कई लोग जो मिलते हैं ना, उससे पता चलता है। एक बार लोनावला के सत्संग में एक पंजाबी अम्मा आके बैठी, वहां बीमार लोग आते हैं, सत्संग फ्री था, आके बैठी। सत्संग के बाद स्वामी जी आपको क्या हो गया, तबीयत ठीक है ना, उन्हें क्यों क्या हो गया, नहीं आप कोई जोक नहीं सुना रहे। उस दिन मुझे पता चला कि लोग सोचते हैं मैं जो करूं। देखो किस लिए आते हैं, कि जोक सुनने के लिए आते हैं। ये जोक इसलिए बताते हैं बीच में क्योंकि आप टेंस हो जाते हो, दिमाग और तबला हमेशा चढ़ा के नहीं रखते, तबले को हमेशा चढ़ा के रखो तो खराब हो जाएगा, दिमाग को हमेशा चढ़ा के रखो तो खराब हो जाएगा, शांत रखो। इसीलिए तत्त्वम यथार्थम आकर्ण्य मंद प्राप्नोति मूढ़ता, तो समझदारी के जगह में उनको और भ्रांति आती है। भ्रांति क्या है, भ्रांति ये है, जब बताया कि मृत्यु असंभव है फिर शुरू हो जाते हैं। तो जो भगवद गीता में बताया है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे, क्या भगवान ने झूठ बताया है? तो ऐसे लोगों से क्या करना है, नहीं यार तुम ठीक कह रहे हो, मैं गलत था। जानन अपि ही मेधावी जड़वल्लोकम आचरे, मूर्खों के साथ अपने दिमाग को खराब नहीं करना।
इसीलिए आप देखेंगे जहां आर्ग्यूमेंट लॉजिक है वहां तत्व का दर्शन नहीं हो सकता। तो मंदः प्राप्नोति मूढ़ताम अथवा आयाति संकोचम, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अब क्या करेंगे जी करके, सब ब्रह्म है, अब किसी में मन लगता ही नहीं, अब क्या करें। एक लड़के ने मुझे पूछा, मैंने कहा तुम्हारी शादी हो के कितने साल हो गए, बोले इतने साल हो गए। हमने कहा बच्चे कब पैदा करोगे, बोले स्वामी जी पता नहीं मेरा मन एकदम इतना विरक्त तो हो गया है। हमने विरक्त तो नहीं, डिप्रेशन है। देखो जिस समय में जो होना है वही होना है, वो यदि नहीं हुआ तो आपका मन गड़बड़ में हो गया। तो अथवा आयाति संकोचम अमूढ़ कोपी मूढ़वत। तो लेकिन जो अमूढ़ है, जो ज्ञानी है, वो इन गलत धारणाओं से अपने आप को बचा करके इस जगत में ऐसे ही रहता है मानो कि वो बेवकूफ है, लेकिन बेवकूफ नहीं होता। इस प्रकार से एक ही तत्व की बात ज्ञानी भी सुनता है, अज्ञानी भी सुनता है। अज्ञानी उस तत्व को सुनने के पश्चात या तो कंफ्यूज होगा या डिप्रेशन में चला जाएगा। जो समझदार है वो उसी तत्व को सुनेगा और अपने स्वरूप पे निष्ठा करेगा। तो उसमें भेद कहाँ है, भेद है हम कितने अधिकारी है उसमें। जो अधिकारी नहीं है वो सत्संग में आके बैठेंगे, उनको कभी ना तो लाभ होगा और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हम जो हमेशा कहते हैं अपना जो सत्संग है ये हॉस्पिटल नहीं है। महाराज जी कमर में दर्द हो गया ना, कुछ हाथ लगा दो। देखो पिछले बार आपने चाटा मारा था तो ठीक हो गया, अच्छा तो मैं डंडा मारता हूं हमेशा के लिए ठीक हो जाओ। ये जो जादू में फंसे हुए हैं ना, वो अपना सत्यानाश कर रहे। एक सिद्धांत समझ लेना, जीवन का हरेक अच्छा बुरा अनुभव हमको परमात्मा के दिशा में मोड़ने के लिए भगवान ने दिया होता है। उस अनुभूति से सीख करके आगे चलो, लेकिन उससे सीखने के जगह में हम उसमें फंस जाते हैं। जैसे दांत में दर्द है तो दांत में दर्द हमको परेशान करने के लिए थोड़ी दिया है, ये बताने के लिए वहां कुछ गड़बड़ी है, ध्यान देना ठीक से। इसी प्रकार से अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभव हमारे जीवन की दिशा मोड़ने के लिए दिए होते हैं। तो तत्त्वम यथार्थम आकर्ण्यम मंदः प्राप्नोति मूढ़ताम अथवा या आयाति संकोचम अमूढ़ कोपि मूढ़वत्। लेकिन जो ज्ञानी है, समझदार है, वो जगत में मूर्ख के जैसा रहता है, लेकिन ना तो वो किसी प्रकार से कंफ्यूजन में है ना डिप्रेशन में है। कल्पना करो आप किसी महात्मा के पास चले गए और कल आप कंप्लेन कर रहे, महाराज ये कुछ करो, मैं अपने पत्नी से बड़ा दुखी हूं, क्या करें बताइए। और यदि वो महात्मा ने कहा यार तुम पत्नी के कारण दुखी हो, मैं भी दुखी हूं, एक भी पत्नी नहीं मिली आज तक, तो उसको कोई महात्मा कहेगा? महात्मा कौन है जो दुखी नहीं होता? देखो इसीलिए एकाग्रता निरोधो वा मूढ़ैरभ्यसते भृशं धीरा कृत्यं न पश्यन्ति सुप्तवत् स्वपदे स्थिता। मूढ़ै ही मूर्खों के द्वारा एकाग्रता निरोधो भृशं अभ्यसते, जो मूढ़ है माने गलत धारणाओं में जो फंसे हैं, वो या तो चित्त का निरोध करने में लग जाते हैं। एक भी वृत्ति नहीं आनी चाहिए, दांत चबा चबा करके बैठे हुए, या तो मन को एकाग्र करना है, फिर एकाग्र करने के लिए सामने एक मोमबत्ती जला लेंगे और उसके ज्योति के तरफ बड़ी एकाग्रता से देखते रहेंगे। ये जो एकाग्रता करने वाले
या योग करने वाले या त्राटक करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी आंखों में देखो आप, एकदम अनकंफर्टेबल फील होता है। वहां मैं बहुत तगड़ा होता है। कई बार आपका भी अनुभव होगा, हमारा भी है, कोई कोई व्यक्ति के आंखों के तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं होती। उनके तरफ देखो तो ऐसे लगता है वो कहीं बाउंस न कर जाए आपका। एकदम प्रकृति प्रधान व्यक्तित्व। तो कहते हैं एकाग्रता निरोधो, या तो मन का निरोध करना है। मूढ़ ही अभ्यस्यते भृशम, पूरे दिन भर उसी में लगे रहते हैं ये बेवकूफ लोग। देखो, और धीरा, और जो समझदार है, जिन्होंने ये तत्व का चिंतन किया है और शास्त्र का अध्ययन किया है, सत्संग किया है और अपने मन के संतुलन के ऊपर ध्यान दिया है, ऐसा धीरा कृत्यम न पश्यति, फिर उनके लिए ना एकाग्रता है ना ध्यान है। फिर सुप्तवत स्वपदे स्थिता, जैसे आदमी गहरी नींद में अपने में मस्त होता है, उसी प्रकार से यह ज्ञानी पुरुष जागृत अवस्था में सुप्तवत प्रसन्न रहते हैं। अब यही सिद्धांत देखो भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिस अद्वैत तत्व में पश्यतो मुने है, ज्ञानी पुरुष जग गया है, उस अद्वैत तत्व में अज्ञानी एकदम सो रहा है, और जिस द्वैत को लेकर के अज्ञानी जग चुका है, माने जिसके लिए ये द्वैत का संसार सत्य है, उस द्वैत के संसार के प्रति ज्ञानी सो रहा है, माने उसका उसके तरफ ध्यान ही नहीं। यही बात इन्होंने यहां कही, धीरा कृत्यम न पश्यन्ति सुप्तवत् स्वपदे स्थिताः, कि जो अपने स्वरूप में एकदम स्थित है तो उनको ना एकाग्रता है न निरोध है। इसीलिए मन हमेशा प्रसन्न। देखो, आपने नाश्ता किया, नींद आ गई, सो जाओ, टेंशन लेने की क्या जरूरत है? भूख लगी, खा लो, टेंशन लेने की क्या जरूरत है? खामो खाम का टेंशन लेते, ये जो टेंशन लेने का स्वभाव है ना, इसको निकाल डालो। इतना टेंशन इकट्ठा करते हैं कि उसके बाद वो टेंशन में रहना ही हमारा एक स्वभाव बन जाता है। अप्रयत्नात् प्रयत्नाद्वा मूढ़ो नाप्नोति निर्वृतम, तत्व निश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृतः। अप्रयत्नात् प्रयत्नात्वा, चाहे प्रयत्न करे या प्रयत्न न करे, मूढ़ निर्वृत्ति न आपनोती, बेवकूफ जो है वो हमेशा परेशान रहते। पहली परेशानी मन शांत नहीं है, दूसरी परेशानी अशांति है। ये शांति अशांति दोनों के कारण हम दुखी होते हैं। अशांति है तब दुखी होते हैं, और जब शांति को टिका नहीं सकते तब दुखी होते हैं। देखो, आपका मन अशांत है तो आप दुखी हो, मन शांत है लेकिन अगल बगल में अशांति है फिर दुखी हो गए। तो करना क्या है? शांति अशांति के परे, यहां कहते हैं अप्रयत्नात् प्रयत्नाद्वा, प्रयत्न करो या न करो, मूढ़ आपनो नापनोति निर्वृत्ति, मूर्ख जो है वो इस जगत से उपरत नहीं हो सकते, और तत्व निश्चय मात्रेण प्राज्ञा भवति निर्वृतः, केवल तत्व का निर्णय ठीक हो गया है। देखो, विषय इंद्रियों के स्थूलीकरण को कहते हैं, इंद्रिय मन का स्थूलीकरण है, मन चैतन्य का स्थूलीकरण है। विषय हो गए कार्य, इंद्रिय हो गया कारण, इंद्रिय हो गए कार्य, मन हो गया कारण, मन हो गया कार्य, चैतन्य हो गया कारण। जो कारण है वो कार्य के द्वारा प्रभावित नहीं होता,
विषयों का होना न होना इसका प्रभाव इंद्रियों पर नहीं, इंद्रियों का होना न होना इसका प्रभाव मन पर नहीं, मन का होना न होना इसका प्रभाव चैतन्य पर नहीं। माने ना तो इंद्रिय में विक्षेप है, ना तो मन में विक्षेप है, ना तो चैतन्य में विक्षेप है। इसमें तत्व क्या है? विषय को देखेंगे तो इंद्रिय तत्व है, इंद्रियों को देखेंगे तो मनस तत्व है, मन को देखेंगे तो चैतन्य तत्व है। तत्व निश्चय मात्रेण, अब आप देखो अपने आप में बिना किसी प्रयत्न से तत्व का निर्णय और निश्चय हो जाता है तो द्वैत से निवृत्त हो गए। माने अब एक भी वृत्ति प्रकट नहीं हो रही है, यह जो यात्रा है कार्य से हट करके कारण में आना, फिर कार्य से हट करके कारण में आना और ऐसे कारण में पहुंच जाना जिसका कोई कारण नहीं है, इस स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं है, न एकाग्रता न निरोध, ना ध्यान ना दान ना धर्म, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तत्व निश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृतः, प्राज्ञ जो समझदार है वो अपने आप सहजता से जगत से निवृत्त हो जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।